स्वागत है आपका सर्वेश रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च, खटाई वाली मिर्ची। इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए, अचार की तरह लगती हैं, बहुत ही टेस्टी खाने में। तो ये हमने मिर्च ली है, अब इसे बीच में से चीर देंगे हम। इसमें मसाला भरेंगे जिससे कि ये तलने के बाद बहुत ही टेस्टी लगेंगे। एक एक करके मिर्ची लेनी है, ना बीच में से चीर देना है। अब हम मिर्ची में भरने के लिए मसाला लेंगे। 2 चम्मच सौंफ पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच कस्तूरी मिर्च, छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे। अब इसे एक एक करके मिर्ची में भरते चले जाएंगे। बीच में मिर्ची चीरेंगे, इसके अंदर इसे मसाला भरा और कढ़ाई में रख दी। एक एक करके ऐसे ही हम सारी मिर्चियों को भर लेंगे मसाले से। इनका टेस्ट अचार की मिर्चों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये मिर्ची खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। के कढ़ाई को गैस के ऊपर रख देंगे। अब इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से गल जाए मिर्ची। अब इसमें 1/2 गिलास पानी डालना है। इनको ज्यादा नहीं गलाना है, थोड़ी क्रंची अच्छी लगेंगी, थोड़ी कच्ची कच्ची। ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। बीच बीच में इसे चलाते रहें वरना ये नीचे लग जाएंगी। अब इसमें हम खटाई डालेंगे। 1 कटोरी खटाई डालनी है। खटाई से बहुत अच्छा स्वाद आएगा, ये खट्टी खट्टी रहेगी। इसे मिक्स करके थोड़ी देर रख देंगे, 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। खटाई मिर्ची तैयार है, इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंची क्रंची अच्छी लगेंगी। इन्हें सब्जी से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। ये देखिए, इन्हें सर्व कीजिए रोटी सब्जी के साथ में, या आप इन्हें पराठे के साथ में भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये अचार से ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।